गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स का जो सेट फाइव है उसको हम लोग करेंगे। आपको पांच सेट मॉडल पेपर जेसीईआरटी के द्वारा दिया गया था, जो टर्म वन के एग्जामिनेशन होने वाली है इस बार। तो हेलो, आपका स्कूल से बच्चे रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, जल्दी इनको रिस्पांस करने के लिए बोले। तो ठीक है, उन लोग को बच्चों को रिस्पांस करने के लिए बोलिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो सेट फाइव जो है, हम लोग सेट फाइव को आज करेंगे, और सेट फाइव में जो क्वेश्चंस हैं आपके, क्वेश्चंस को भी मैं लिखूंगा, उसको नोट कर लेंगे, और उसके जो आंसर्स हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और आपको मालूम है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके जो टर्म वन के एग्जामिनेशंस हैं उसमें आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, If a body is negatively charged, by friction, घर्षण के द्वारा, negatively charged by friction, it means that the body has first option A, acquired excess of electron, second, lost some electron, three, acquired electron and lost a larger number of proton. And he lost some positive ions. तो कह रहा है, क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से। यदि कोई ठोस पिंड घर्षण द्वारा ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, तो इसका अर्थ है कि पिंड इलेक्ट्रॉन की अधिकता हासिल की, कुछ प्रोटॉन को खो दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन को अधिग्रहण किया, और कम संख्या में प्रोटॉन को खो दिया, कुछ आयनों को खो दिया। तो इसमें ऑप्शन ए जो है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया तो उस बॉडी पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हासिल की, acquired excess of electrons, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटालिक स्फीयर
A metallic sphere is placed. Metallic sphere is placed in a uniform electric field. In a uniform electric field. Electric. The lines of force, the lines of force, follow the path, follow the path shown in figure. Shown in figure as one, two, three, four. तो कौन सा ऑप्शन सही है? लाइन वन सही है, लाइन टू सही है, लाइन थ्री सही है, लाइन फोर सही है. कौन सा लाइन सही स्केच किया गया है? फॉर अ मेटालिक स्फीयर, मतलब कंडक्टर. तो हम लोग को मालूम है कि कंडक्टर के अंदर जो होता है, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. कंडक्टर के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. तो ये जो लाइन टू और थ्री जो अंदर बनाया हुआ है लाइन, तो ये दोनों तो कभी होगा ही नहीं, गलत है. कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास नहीं कर सकता, क्योंकि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. कंडक्टर के अंदर से लाइन्स नहीं पास कर सकता. उसके बाद वन और फोर में कौन सही है? तो हम लोग, मैंने पढ़ाया है आपको कि कंडक्टर पे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होता है तो उस पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये एंगल 90 होना चाहिए. ऐसे होता है, ये एंगल कितनी होनी चाहिए? 90. तो यहाँ पे तो अगर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये एंगल तो 90 दिख नहीं रही है, तो ये भी गलत है. सही कौन सा है? फोर. देखो यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे, तो ये एंगल 90 है. यहाँ पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये एंगल 90 है. तो ऑप्शन फोर इज करेक्ट, मतलब डी इज करेक्ट. बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन. उसके बाद नेक्स्ट the capacitance of a parallel plate capacitor does not depend on तो पहला है एरिया ऑफ प्लेट, ऑप्शन एरिया ऑफ प्लेट. दूसरा ऑप्शन है मेटल ऑफ प्लेट्स, मेटल ऑफ प्लेट. तीसरा ऑप्शन है next
मीडियम बिटवीन देम एंड डी ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कैपेसिटेंस की फॉर्मूला होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एरिया और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो किस पे नहीं डिपेंड करेगा, तो मेटल ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करेगा, किस टाइप का प्लेट है इस पे डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करें। सेट फाइव में हम लोग हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द following, which of the following is not the property of, not the property, property of equipotential surface, of potential surface. Option A, they do not cross each other, they do not cross each other. The option B, the rate of change of potential, the rate of change of potential, the rate of change of potential with distance on them is zero. कौन इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए सही नहीं है या कौन प्रॉपर्टी नहीं है? ये तो प्रॉपर्टी है, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये प्रॉपर्टी है, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज जीरो। तो ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल है तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो जीरो होगा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, दे कैन बी इमेजिनरी स्पेयर, ये भी सही है,
इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्स्टेंट. इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं लाइन से, इक्विडिस्टेंस लाइन से. तो ये प्रॉपर्टी नहीं, तो सी इज करेक्ट. ये प्रॉपर्टी नहीं. उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट छोटा सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है. लग रहा है 12 के बच्चे खंड से सिकुड़ गए, विद्यालय नहीं आ रहे. थ्री चार्जेज, थ्री चार्जेज प्लस थ्री क्यू कॉमा प्लस क्यू एंड क्यू एंड क्यू आर प्लेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन, आर प्लेस ऑन with equal separation, with equal separation. In order to make the net force on Q is zero, in order to make the net force on Q to be zero, the value of Q will be. तो देखो क्या है, यहाँ पे थ्री क्यू चार्ज है, यहाँ पे फिर क्यू चार्ज है उतना ही डिस्टेंस पे, यहाँ पे क्यू. मान लो ये डिस्टेंस एक्स है, ये भी डिस्टेंस एक्स है, करेक्ट. इस पे नेट फोर्स जीरो होगा तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, बड़ा क्यू की वैल्यू क्या होगी. ऑप्शन ए है प्लस थ्री क्यू, ऑप्शन बी है टू क्यू, ऑप्शन सी है माइनस थ्री क्यू, ऑप्शन डी है माइनस टू. कह रहा कि नेट फोर्स किस पे, नेट फोर्स जो है इस वाले चार्ज पे जीरो है. ये ए प्लस है, इस पे फोर्स लगाया एफ वन, और ये इस पे फोर्स लगाया इधर एफ टू. तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ वन एफ टू की मैग्नीट्यूड इक्वल एंड डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए. मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए. तो एफ वन बच्चों इक्वल टू एफ टू होनी चाहिए. ये सेट फाइव मैं करा रहा हूँ. एफ वन किसको कहा है, थ्री क्यू और क्यू वाले को. ये हो गया के, के मतलब समझते हो, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट थ्री क्यू इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर. और ये इस पे फोर्स जीरो होनी चाहिए, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर. तो कितनी होनी चाहिए, q इक्वल टू थ्री क्यू होनी चाहिए. यस है, थ्री चार्जेस q प्लस q एंड q आर प्लेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद इक्वल सेपरेशन. तो सिंपल है, इस पे नेट फोर्स जीरो कब होगा,
जब ये इस पे इधर फोर्स लगाए और ये इस पे इधर फोर्स लगाए, तो इसको हम लोग करते हैं तो नेट फोर्स क्यू इक्वल टू थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेट फाइव का, डायरेक्ट कॉन्स्टेंट फॉर मेटल इज द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर मेटल इज, मेटल इज अभी लोग जानते हो, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी इंफिनिटी, ऑप्शन डी -1। कितना होगा जी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए। धातु का पैरा वैद्युत स्थिरांक कितना है? सही जल्दी ये बताएंगे। इन्फिनिटी, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, चूज द साइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चूज द साइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पहला ए जूल, दूसरा बी कूलम, तीसरा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, डी आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है, कौन सा सही है? आर के प्लस टू हाई स्कूल 83, कौन सा सही है? अरे भाई एनर्जी का एसआई यूनिट नहीं जानते, जूल किसी रंग का एनर्जी हो जूल। अच्छा छोटा छोटा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। वन गॉस, वन गॉस इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए 1 टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी 10 का पावर 4 टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी 10 का पावर -4 टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी 10 टेस्ला। कौन सा सही है? वन गॉस में कितना टेस्ला होगा, वन गॉस में कितना टेस्ला होगा? तो आपको मालूम है 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस होता है,
वन गॉस में कितना टेस्ला, 1/10 का पावर 4 टेस्ला, या वन गॉस में कितना टेस्ला, 10 का पावर माइनस 4 टेस्ला, ये नहीं यार 10 का पावर माइनस 4। उसके बाद नेक्स्ट एंगल ऑफ टिप, द angles of tip at the poles and equator respectively are ऑप्शन ए 30 डिग्री 60 डिग्री, ऑप्शन बी 0 डिग्री 90 डिग्री, ऑप्शन सी 45 90 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री 0। एंगल ऑफ डी, तो ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये इसकी वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बनाएगा उसी को कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ टी। तो आप लोगों को जो भी अर्थ होता है तो यहाँ क्यों बनाए, ये इक्वेटर है और ये पोल है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये वाली होगी, तो हॉरिजॉन्टल इक्वेटर पे टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इक्वेटर पे 0 डिग्री होगा और पोल पे 90 डिग्री होगा। पोल पे क्या होगे 90 डिग्री, तो पोल्स एंड इक्वेटर, पोल्स पे 90, इक्वेटर पे 0, 90 और 0 से ही होगा क्या आंसर, 90 और 0 एंगल ऑफ टी, एंगल ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ फोर न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन एयर, if the space between them, the space between them is completely filled with the
ऑप्शन ए 2 न्यूटन, ऑप्शन बी 5 न्यूटन, ऑप्शन सी 0.5 न्यूटन, ऑप्शन डी 5 न्यूटन। तो फ्री एफओ दिया हुआ है कितना, 3.4 न्यूटन, और के की वैल्यू दी हुई है 14 मीडियम, क्या होता है एफ ओ बाई के, तो 4/8, 1/2, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड, इनसाइड अ सोलेनोइड, पहला के नॉट एन आई, एन आई बाय न्यू नॉट के न्यू नॉट आई बाय एन बी। चलो सोलेनोइड के अंदर थ्रू आउट मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, बाहर में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, अंदर में कितनी होती है, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन, एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट, एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पॉजिटिव चार्ज, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, लो टू हाई रीजन, लो टू हाई पोटेंशियल, डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज, बी इंक्रीज, सी है रिमेन्स कांस्टेंट,
मेंटी तो पोटेंशियल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एनर्जी में इंक्रीज होगी, पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी में, तो पॉजिटिव चार्ज इज मोर फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल रीजन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो वो भी इंक्रीज हो। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। The specific resistance, the specific resistance. Of a rod of copper, as compared to पहला ए लेस, दूसरा मोर, तीसरा सेम, चौथा कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कॉपर है तो छोटा हो, पतला हो, बड़ा हो, मोटा हो, सब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होती है वो क्या होगी, सेम होगी। रेसिस्टेंस अलग अलग होगा, रेसिस्टेंस डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, पर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है, तो क्या होगा, सेम होगा। इसका आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो आप लोगों का फिजिक्स के क्लास के टाइम में हो गई है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेस्ट बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मन लगाकर पढ़िए। आरके प्लस टू हाई स्कूल तरह से यस सर, आप लोगों ने सारा सेट बना लिया है, जेसी आरटी ने जो 5 सेट दिए है फिजिक्स में, आप लोगों ने बना लिया है? यस सर, बना लिया है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे, जो होने वाली एग्जाम्स है इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और हमने भी सारे सेट को कराए हैं। तो जो बच्चे सीरियसली रेगुलर क्लासेस अटेंड किए होंगे उसको मैंने सारे सेट के क्वेश्चंस, सेट 1, 2, 3, 4, ये पांचवें सेट के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बचे हुए क्वेश्चन अगले क्लासेस में हम करेंगे। तो आप लोग मन से ध्यान से पढ़िए, जितने देर आप लोग अपने स्मार्ट क्लास में होते हैं, लैब में होते हैं, उतने ध्यान से टीचर्स के लेक्चर को सुनना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको वहां से डायरेक्ट पूछ सकते हैं,
आपके प्रॉब्लम को हम एक्सप्लेन करेंगे और जो भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है उसको तो चलिए ये बातें नेक्स्ट क्लास में और हम लोग करेंगे। तब तक इस क्लास को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू। केमिस्ट्री क्लासेस होगी उससे क्लास को अटेंड करेंगे।